हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाचली ऑलराउंडर पे। थोड़ा डिफरेंट दिखाने की कोशिश करती हूँ दोनों चैनल पे, कि एक जैसा ना दिखाऊँ तो कोशिश रहती है। वैसे अभी लॉकडाउन के बाद तो बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी, कहीं पे घूमने जाएंगे या खाने का ही होगा, कुछ भी अलग अलग दिखेगा। अभी भी अलग अलग ही कोशिश करती हूँ मैं। तो अभी है टाइम 3:15 हो रहे हैं और दोपहर का भी आज धूप आज दिखा देती हूँ मैं, कुछ ऐसा जैसा नज़ारा यहाँ से दिखता है। और मेरी सेल्फी स्टिक मैंने पहले भी बताया गुम नहीं हुई, मेरे से छूट गई कहीं पे, घास को गई थी मैं तो वहाँ से छूटी और फिर उन्होंने ना किसी को मिली तो वापस नहीं दी मुझे। तो ये देखिए ऊपर हमारा गाँव और ये पहाड़ सामने पार, इनको तो आप बहुत बार देखते हो पर फिर भी चलो एक कोशिश रहती है अच्छा दिखाने की अपनी तरफ से ना हरा, मतलब कितने दिन हो गए अंदर ही अंदर, आज फिर भी एक होता है ना मन कि हम थोड़ा सा चेंज देखें। तो आज तो मैं कुछ ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ, एक माता की भेंट सुनाऊंगी, एक पंजाबी सैड सॉन्ग सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से पंजाबी मेरे भाई बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी पंजाबी सैड सॉन्ग सुना दीजिए, आप हमेशा भजन ही गाती हैं। तो कोई नहीं, मुझे सैड सॉन्ग भी आते हैं, मैं गा के नहीं करती, मतलब मैं गाना नहीं चाहती, तो वो मैं सुना दूंगी। पहले आप देख लीजिए कि करती रहती हूँ मैं नई नई ट्राई। मैंने दाल और चावल का जो बनाया, मट्ठी बोलो उसको, मट्ठी बोल सकते हैं, पूरियाँ तो नहीं वो बनी, फूली तो नहीं हो पर मट्ठी हम बोल सकते हैं, मट्ठी होती है ना वो, उस टाइप की छोटी छोटी बनाई थी मैंने। कैसे बनाई मैं आप लोग भी ज़रूर देखिए। और चलो बाकी बात मैं बाद में करूँगी, थोड़ी बातें करनी है मुझे आपसे, वो बातें मैं आपसे बाद में करूँगी, ठीक है? तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो ये है मेरे दाल चावल बचे हुए शाम के, मूंगी की दाल बनाई थी मैंने तो वो बची हुई थी, तो ये देख सकते हैं आप। और ये चावल हैं, अब मैं इन दोनों को मिक्सी जार में पीस लूँगी। आप इनको ऐसे भी मैश कर सकते हैं, मिक्सी जार में भी वो कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें, पर एक अलग तरह की जो डिश बन जाती है, तो ऐसे ना कोई खाए तो काम आ जाती है। ये मैंने पीस ली है, देखो अब इसको मैं उल्टा दूंगी, इसमें और भी चीज़ें पड़ेगी अभी, ये देखिए मैंने इसको सारा उल्टा दिया। और ये थोड़ा सा आटा लो, चाहे मैदा लो, कुछ भी लो, ये बहुत अच्छा बन जाता है। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ इसको, मैदा होगा तो ज़्यादा टेस्टी होगा, आटा होगा तब भी टेस्टी होगा, आटा तो हेल्दी होता है, गेहूँ का आटा जो होता है वो और भी अच्छा होता है। तो उसको मैं मिलाने के बाद फिर इसमें जो और जो हम चीज़ें ऐड करेंगे वो वही करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने और डाल दिया इसमें, क्योंकि ये पतला हो रहा था पेस्ट जो हमारा, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करके। और इसमें थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर मिलाऊँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मिलाना इसको। तो ये देखिए, और फिर इसमें डालूँगी मैं नमक, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि दाल में भी थी हल्दी, बाकी नमक भी था दाल में पर वो कम था, और अजवाइन तो बहुत ज़रूरी है इसमें डालनी। थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा हींग डाल सकते हैं, और थोड़ा सा गर्म मसाला, धनिया पाउडर, ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें काटूँगी लहसुन की पत्तियाँ, ये वाली पत्तियाँ लहसुन की, फिर इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे और रख देंगे हम इसको जो है 10-15 मिनट के लिए, रेस्ट करने के लिए इसको ऐसे रख देंगे। फिर उसके बाद तवे पे बनाओ चाहे तल के बनाओ, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, मुझे तो तवे पे अच्छा लगता है, पर मेरे बच्चों हनी ने बोला कि मम्मी तल के बनाओ इसको, ये पूरियां बनेगी, मैं कहा नहीं पूरियां नहीं बनेगी ये। तो ये देखिए, ये फिर हम यहाँ पर बनाने लग गए थे, हनी फिर शूट कर रहा था, मैंने कहा चल तू करा शूट, तो इसको फिर ये देखिए मैं बनाने लगी थी, उसके बाद हनी शूट करने लगा। अब ये जो मैंने चूल्हा बनाया ना ये वाला, आप मुझे बताना कि ये वाला अच्छा है कि दूसरे वाला, पर इसमें ना मेरा चूल्हा ज़्यादा काला नहीं होता और धुआं भी नहीं लगता इतना, तो ये ठीक है कि वो दूसरा ठीक था। तो इसको हम बेलन पर नहीं, कहीं पर भी नहीं इसको हम ये करेंगे, चकले बेलन पर नहीं करेंगे इसको, सिर्फ हाथों में तेल लगाना पड़ेगा क्योंकि चावल जो है वो चिपकते हैं हाथों में, नहीं तो हाथों में अच्छी तरह से तेल लगा के, और बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला मैंने उधर, वैसे ही तवे के ऊपर भी अच्छी होती हैं, बढ़िया होती है, तो बच्चों की पसंद है भाई। तो इस तरह से हाथों की हेल्प से इसको जो है गोल करना है। तेल के छींटे पड़े हैं आप देख सकते हैं साइड में ना, ये तेल के छींटे हैं, और अब मेरा चूल्हा काला नहीं होता देखिए,
वैसे तो मैं लिपाई करती हूँ इसकी रोज़, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बिना लिपाई के मैं खाना बिल्कुल नहीं बना सकती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर इनको ये देखिए अच्छी तरह से इनको ये करके, ये अगर तेल ज़्यादा होता ना तो ये फूल जाने थी, तो मैंने तेल बिल्कुल कम डाला हुआ है इसमें। तो ये देखिए भाई, ये तो यही खाएगा हनी, इनको मैं तो नहीं खा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल होगा इनमें। और मैंने सच्ची में एक टुकड़ा खाया था, बाद में आपको बताऊंगी। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आज मैंने बहुत गाने गाए हैं और आपसे कुछ बातें की हैं, बहुत ज़रूरी बातें की हैं, तो आगे भी ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को, और ये वाली चीज़ आप ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरह से बस इसमें तेल लगा के हाथों की हेल्प से इसको गोल करके, और ये फूल जानी थी अगर इसमें तेल ज़्यादा होता शायद। तो ये बनी हमारी वो मठियाँ, बोलो इनको बहुत अच्छी बनी, मैं नहीं खा सकती इनको भी, इनमें बहुत ज़्यादा तेल है। मैं तो तवे पे ही बनाने लगी थी, टेस्टी बहुत है, थोड़ी सी खाई थी मैंने, टेस्टी बहुत है, फूली हुई भी है, मैं नहीं खा सकती इनको क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा तेल है और मुझे उल्टी आ जाती है तेल वाली सब्ज़ी खाने से। बच्चे पसंद करते हैं, इनको भी ज़्यादा नहीं देती मैं कभी कभी, बोलो आप, वैसे रोज़ नहीं देती। तो अभी आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, अच्छा नया हो जाता है। तो यूट्यूब की वजह से ना मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, ये सूट मेरा फेवरेट है सबसे, क्योंकि ये खुला खुला सा ना, गर्मियों में बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहन सकती, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से होती घुटन जैसी होती है। और अभी मेरे कितने काम पेंडिंग पड़े हैं, सूट मैंने कटना था और बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े। और एक मेरी अफसाना दीदी, उन्होंने बहुत थैंक यू बोला है, वो एक राइटर हैं और उनका मैंने गाना सुनाया था, तो आज भी सुनाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी सी बातें करनी मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ। तो उन्होंने मुझे ना, मेरी कढ़ाई है वो साफ़ नहीं होती, मेरे सारे बर्तन साफ़ होते हैं, चूल्हे के भी, तो उसका पता नहीं क्या है, वो अंदर से साफ़ होती नहीं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसको साफ़ करने की पर वो होती नहीं। तो फिर अभी नहीं, मैं ले नहीं सकती, दिखती मैं नहीं लूँगी फिर उसको। तो और उन्होंने मुझे एक ट्रिक बताई है, फिर अगर वो ट्रिक काम हो आ गई ना तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, अगर वो साफ़ हो गई मेरी कढ़ाई तो मैं दीदी उनको उसको जो है यूज़ करूँगी, जो आपने मुझे बताया है। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ दूसरे चैनल पर भी। तो चलिए, सबसे पहली बात ये कि आप बोलते हैं ना कि दीदी लंबा वीडियो हो जाता है, यहाँ पे तो मैं 10-11 मिनट का डालती हूँ, वो इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि YouTube हमसे जो रैंकिंग मांगता है कि इतने में से अगर 10 मिनट का है तो कम से कम 5 मिनट एवरेज आनी चाहिए आपकी वीडियो की, 5 मिनट जो लोगों ने देखा होना चाहिए। तो पूरी कोई भी नहीं देखता, किसी की बात भी हो चाहे मैं ऐसा नहीं बोलती कि पूरी देखो, तो पूरी देखते तो जब वो घट जाती है ना तो हमारे को यूट्यूब की तरफ से वार्निंग आ जाती है कि आपका चैनल लो चल रहा है, आपकी वीडियो लो चल रही है, तो हमें अपना भी डर रहता है, वैसे हमें भी दिक्कत होती है 15 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो में क्या दिखाएं इतना लंबा। ऐसा तो है नहीं कि पूरियाँ बना रहे हैं या कुछ डिश बना रहे हैं तो उसको ही दिखाते रहे, बोर होते हैं ना लोग, उतना नहीं दिखा सकते, तो थोड़ा थोड़ा करके हम उसको जोड़ के फिर उसको 10 मिनट की बनाते हैं ताकि हमारा जो उसकी रैंकिंग बनी रहे। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी देखोगे तो 5 मिनट हो ही जाएँ, तो 5-6 मिनट की मांगते हैं, तो इस वजह से जो है हमें ये 10 मिनट से ऊपर जो वीडियो रखने पड़ते हैं और एड भी इसमें फिर लग जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पे आज बहुत दिन हो गए भजन नहीं सुनाया, और वो भी मैं सुनाती हूँ, और एक सैड सॉन्ग की फरमाइश आई है मुझे, बहुत दिनों से आ रही है, तो चलो मैं उसको भी सुना देती हूँ आपको। तो पहले माता का भजन सुना देती हूँ मैं आपको। हो ऊंचे ऊंचे पर्वत पे मेरी माँ का बसेरा है, ऊंचे ऊंचे पर्वत पे मेरी माँ का बसेरा है, ऊंचे ऊंचे पर्वत पे मेरी माँ का बसेरा है। ओ मेरी माँ का बसेरा है, मेरी माँ का बसेरा है, हो माँ का बसेरा है, मेरी माँ का बसेरा है, हो ऊंचे ऊंचे पर्वत पे अम्बे माँ का बसेरा है। हो कर ले भजन बंदे, तेरी 2 दिन की जिंदगी है, हो कर ले भजन बंदे, तेरी 2 दिन की जिंदगी है, हो ना कुछ तेरा है
और ना ही कुछ मेरा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे मेरी माँ का बसेरा है। हो तुम्ही मेरी मात पिता, मैया तुम्ही मेरी बंधु सखा। हो तुम्ही मेरी मात पिता और तुम्ही मेरी बंधु सखा। हो दुनिया वाले मैया दुनिया वाले क्या जाने, ये तो रिश्ता पुराना है। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे मेरी माँ का बसेरा है। ओ ऊंचे ऊंचे पर्वत पे मेरी माँ का बसेरा है। तो ये तो हो गई माँ का, माँ की भेंट। बहुत मजा आता है, मैं बिल्कुल खो जाती हूँ, पूरी तरह से मैं खो जाती हूँ कि माता रानी मेरे सामने बैठी है। तो एक बात मुझे और याद आई थी कुछ। हाँ, मुझसे पूछा था किसने कि चावल का आटा जो हम घर में क्यों रख सकते, तो नहीं रख सकते, अपशगुन माना जाता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग बोलते थे। ज्यादा पिसा हुआ आटा नहीं, उसको बस यूज के लिए पीसते हैं, उसको यूज करते हैं, बाकी ज्यादा पिसा हुआ हम घर में नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब आगे बारी मैं वो सैड सॉन्ग जो उन्होंने बोला था उसको मैं सुनाती हूँ। तरस का मुझे नहीं पता, बट मैंने पंजाबी बोलने का बहुत शौक है और मैंने सीखने की बहुत वो है कि कहते चाह है मेरे की मैं सीखांगी, हर भाषा सीखांगी। तो चलो पंजाबी बीच एक गाना हो जाए, वो भी सैड सॉन्ग। मैं गाती नहीं, बहुत कम गाती हूँ, पर चलो आप लोगों की खुशी के लिए। ओ दिल मेरे दी दिल विच रह गई, जांदी जांदी मैनू कह गई। हो तेरी मेरी खत्म कहानी, हो तेरी मेरी खत्म कहानी, गल दिल ते नालावी। जिनी बीती चंगी बीती तू मैनू भूल जावी, जिनी बीती चंगी बीती तू मैनू भूल जावी। एक बारी ना सोचिया कि होना हाल मेरा, किवें मैं कट देवां इस दिल चो ख्याल तेरा। हाँ, एक बारी ना सोचिया कि होना हाल मेरा, किवें मैं कट देवां इस दिल चो ख्याल तेरा। सच से आने कहंदे ने हो, सच से आने कहंदे ने कदे प्यार ना पावी। जिनी बीती चंगी बीती तू मैनू भूल जावी। दिल मेरे दी दिल विच रह गई, जांदी जांदी मैनू कह गई। हो तेरी मेरी खत्म कहानी, हो तेरी मेरी खत्म कहानी, गल दिल ते नारावी। जिनी बीती चंगी बीती तू मैनू भूल जावी। जय माता दी। तो मेरे पंजाब के जो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे भाई बहनों की, तो शायद उनका अब शिकायत दूर हो गई होगी, तो मैंने गा दिया गाना माँ की भेंट भी, पंजाबी सॉन्ग भी। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर अभी लॉकडाउन का वेट कर लेते हैं, उसके बाद अच्छी अच्छी वीडियो जो दोनों चैनल के ऊपर अपलोड करने की कोशिश करूंगी। जय माता दी, आप लोगों के प्यार सपोर्ट साथ के लिए थैंक यू सो मच।